ako, hindi ko ganang yun. सीरियल रब से है दुआ में आया शॉकिंग ट्विस्ट, जहां इबादत पर लगा बड़ा इल्जाम। जी हां, दरअसल इबादत ने बिजनेस अकाउंट से 10 लाख लिए थे, जिस पर मन्नत ने घर वालों के सामने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह पैसा कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए था, लेकिन इबादत ने सैलरी न देकर इसे अपनी निजी जरूरतों के लिए खर्च किया। जोर जोर से शोर मचाकर इबादत से सवाल पूछती है, तब सभी घर वाले भी सवाल उठाते हैं। कुछ पूछ रही है, जवाब दो, कहां खर्च की तुमने वर्कर की शादी के पैसे? हां बताओ सबको। देखो जवाब, तुमने कंपनी के पैसे पर्सनल काम के लिए यूज किए हैं या कोई और बात है? बोलो इबादत। लेकिन इबादत कुछ नहीं कहती। तभी सुभान आकर इबादत को डिफेंड करता है और कहता है कि इबादत ने पैसे खुद के लिए नहीं बल्कि कंपनी में रॉ मटेरियल की जरूरत के लिए खर्च किए हैं और सभी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिल गई है। इसके बाद सुभान मन्नत को सुनाता है और फिर बाहर चला जाता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि एक तरह से सच है, क्योंकि इबादत पैसे यूज़ तो किए हैं और बहुत ताज्जुब की बात है कि इबादत ने ऐसा कुछ किया है। मतलब बहुत बड़ी बात है, इबादत कभी ऐसा नहीं करेगी। शी इज़ वेरी राइटियस, शी इज़ समबडी जो कभी ऐसे किसी के हक के पैसे कभी कहीं भी यूज़ करने के बारे में सोचेगी भी नहीं, अपने खुद के लिए तो नहीं। तो ये जो उसने किया है वो किया है फरहान को जेल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक MMS है जो फरहान के पास है, मन्नत और फरहान का, मन्नत का है। तो अभी अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए इबादत किसी भी हद तक जा सकती है। अभी भी वो प्यार है, अभी भी नफरत नहीं कर रही है। और इबादत का यही मानना है कि लड़ाई अपनी जगह है पर बहन की इज्जत अपनी जगह है। तो वो मन्नत के साथ ही लड़ रही है, मन्नत के लिए ही। बहुत ताज्जुब की बात तो है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर सुभान इबादत से नाराज़ है, झगड़ा भी कर चुका है, पर अभी सबके सामने उसकी साइड ले रहा है, तो इबादत इज टच्ड। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।